जमारामगढ़ शिविर न्यायालय द्वारा प्रभात फेरी निकालकर अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। जमारामगढ़ जयपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में अमृत महोत्सव महात्मा गांधी के जन्म उत्सव पर आज शनिवार को शिविर न्यायालय जमारामगढ़ द्वारा प्रभात फेरी निकालकर शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्राम जमारामगढ़ वासियों को विधिक साक्षरता अभियान व स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया गया व रैली में शामिल विद्यालय के छात्र छात्राएं स्काउट के छात्र शामिल रहे, जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट संगीता सुद ने संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने घरों की नहीं अपने आसपास की स्वच्छता व सफाई पर ध्यान देवे एवं लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करें, ताकि हमारा मोहल्ला साफ रहेगा तो गांव साफ रहेगा और गांव साफ रहेगा तो देश साफ रहेगा। उक्त रैली को संबोधित करते हुए एवं आम जनता को संबोधित करते हुए एडवोकेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम अपने शरीर को साफ रखें व अपने घर को साफ रखें। अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे तो देश साफ होगा एवं सभी बीमारियों से बचाव होगा। साथ ही एडवोकेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करे ताकि देश निरंतर प्रगति करता रहे। आज के बच्चे ही भारत देश के भविष्य बनेंगे, इसलिए उन्हें साक्षर होना अति आवश्यक है। यदि वे साक्षर होंगे तो न केवल स्वच्छता बल्कि देश की उन्नति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उक्त रैली में न्यायालय के स्टाफ मौजूद रहे। रामप्रसाद मीणा, राजेश कुमार वर्मा एडवोकेट, श्री आर मिश्रा, दीपचंद मावर एडवोकेट, मनीष पारिक एडवोकेट व अन्य ग्रामीण व स्काउट के प्रधान शिक्षक हरि नारायण मीणा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।